मेरी किस चीज़ की गलती सर, मुझे ये तो बताया वो एक बार कि मेरी क्या गलती थी उसमें। रोड बाईपास पे जाने के लिए इसके अलावा है नहीं, इंडिकेटर मैंने दे रखा था, मेरे आगे एक गाड़ी और थी, एक डेढ़ मिनट तो हमने वेट कराया गाड़ियाँ क्रॉस करने के लिए, जब रूट बिल्कुल खाली दिखा तब मैंने लिया। मैं गलत होता, मेरे आगे वाला थोड़ी गलत होता, हम दोनों ने एक साथ लिया है, वो बाईपास चढ़ चुका था, मैं हाफ वे में पहुँच चुका, 10-15 सेकंड के अंदर वो गाड़ी आके टकराई है। तो मेरे पालन नहीं किया सर, किस ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करा मुझे एक बार ये बताएगी, ये ट्रैफिक नियम का मैंने पालन, इंडिकेटर मैंने नहीं दिया हो, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी हो, या मैं तेज स्पीड में हूँ, या रॉन्ग साइड कट में ले रहा हूँ मैं, या गलत कट से ले रहा हूँ, या कोई एक रीजन बता दे कि मैंने इस ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करा, मैं फिर एग्री हो जाऊँगा उनके साथ। कितना हर्ट है सर आप इस बात को सुन के? सर अब जनप्रतिनिधि है, कम से कम कोई चीज़ बोलनी है तो कम से कम सोच के बोलनी चाहिए, अपन क्या बोल, बड़े आदमी है कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि पहले हैं, जनता के लिए हैं, जनता ने चुना है, उस चीज़ को देखना चाहिए। मुझे एक रूल ये बता दे कि इस चीज़ का मैंने पालन नहीं करा, मैं थोड़ी सी भी तेज स्पीड पे होता तो मैं निकल चुका होता, मेरे साथ ये हादसा नहीं हो पाता। जनप्रतिनिधि मेरी बेटी को छोड़ के चली गई, सेल्फ गाड़ी में बैठ के चली गई, कम से कम मेरी गुड़िया थी छोटी, गाड़ी से उछल के बाहर गिर गई, उसको ले जाती तो आज शायद हमारे साथ होती। सबसे बड़ा दुख इसी चीज़ का है मुझे, फर्स्ट एड मिल जाता टाइम पे उनके साथ, वो हमारे साथ होती आज, वो जिंदगी का जख्म दिया, ये ठीक हो जाएंगे, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा हमारे लिए।